तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पहाड़ों में लोग किस कदर पुरसकून ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ये देख सकते हैं मौसम है, सरमा का सीज़न है, तो यहाँ पे लोग आप देख सकते हैं धूप निकला हुआ है आज, तो धूप सेक रहे हैं। और साथ में यहाँ पे ये देखें सूखा हुआ खुबानी जिसे फड़िंग कहते हैं वो खा रहे हैं। क्या नाम है आपका मोहतरम? तो दोस्तों ये सारे रोड कोली का काम करते हैं, तो यहाँ ये लोग ड्यूटी पर आए हुए, तो खाना शाना ये लोग लेकर आते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं मौसम आज थोड़ा नॉर्मल है और धूप निकली हुई है, इस वजह से पाइप से पानी रवा दवा है। तो दोस्तों हम आपको पहाड़ों के बारे में और पहाड़ी लोगों के बारे में बार बार ये बताते रहते हैं। पहाड़ों में जो लोग मुकीम हैं वो इंतहाई खुश अखलाक मेहमान नवाज लोग होते हैं। ये चाचा जी से हम उधर मिले थे कहीं, इन्होंने हमें बहुत ताकीद की आप यहाँ बगैर चाय पिए नहीं जा सकते, तो हम इनके अभी घर आए हुए हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने पयू चाय जिसे कहते हैं ये पेश किया है, और इस पयू चाय के बारे में आपको बताता चलूँ, ये पहाड़ों में बहुत ज़्यादा पीने वाली ये चाय है, नमकीन चाय जिसे कहते हैं, और इसके साथ साथ ये देसी घी पेश किया गया है। ये खालिस देसी घी है, ये इसमें डालकर, और इसमें साथ में आप देख सकते हैं पराठा भी पेश किया गया है जिसे हमारी ज़बान में अजुक कहा जाता है। पत्ते उठा के लाए हैं इस बोरी में बंद करके, यहाँ ठीक होता गायत पा गायत पा वो सोच रहा फिर, यहाँ ठीक होता
हम क्या है आपका नाम? मजाहिर। मजाहिर है, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? टू क्लास में। वेरी गुड। अभी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे खेल रहे हैं। अच्छी है आपकी गाड़ी है, चलाओ इसको शाम। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, पहाड़ों में सुबह का नाश्ता इसी रोटी से किया जाता है। ये जिसे हमारी ज़बान में पपा जिसे कहा जाता है, ये आप देख सकते हैं इसे आग पे पकाया जाता है। और पहाड़ों में अक्सर बेशतर यही जो रोटी है इसी से लोग को नाश्ता करता है। देख सकते हैं दोस्तों इसमें ये जो रोटी है इसमें तोड़ के लगाया जा चुका है। उसके बाद अभी इसमें एप्रिकॉट टाइल इसमें लगाया जाएगा जिसे हमारी ज़बान में चिली मार कहा जाता है। ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। इस एप्रिकॉट टाइल की खासियत ये, जब हम ये इस्तेमाल करते हैं तो सर्दियों में जिस्म काफ़ी गर्म रहता है और इससे ना सर्दी बहुत कम लगती है। ये दो गांवों को मिलाने वाला ये पुल है, लकड़ी से बनाया गया है सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए। तो ये जो लगाया हुआ है ना ये निशानी, ये इसलिए लगाया गया है ताकि लोगों को दूर से पता चले ना पुल इधर बनाया हुआ है। तो लोग को इसे दूर से मतलब इस निशानी को देखकर आते हैं और यहाँ से लोग चले जाते हैं आगे की तरफ, और वहाँ से जो लोग आते हैं वो भी दूर से इसको देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि वरना इस बड़े से मैदान में बड़ा मुश्किल होता है इस पुल को ढूंढना, इसलिए ये निशानी लगाया हुआ है यहाँ पे। इस पुल से ना एक ही वक़्त में सिर्फ एक ही बंदा जा सकते हैं, दो बंदे इस जगह से नहीं जा सकते क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा वजन ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये देख सकते हैं पानी का बहाव भी बहुत ज़्यादा है और आज का जो मौसम है वो भी काफ़ी साफ है, धूप निकला हुआ है। देख सकते हैं दोस्तों ये जो भाई हैं वो दूसरे गांव की तरफ, अभी ये वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, तो दोस्तों ये कह रहे हैं कि ना ये मछलू की तरफ, ये दूसरे गांव की तरफ गया हुआ था वो इसलिए क्योंकि वो उन्हें ना घी लेने वहाँ पे गया हुआ था। तो अभी ये कह रहे हैं कि वापस आ गए, मछलू में काफ़ी महंगा मिलता है तो ये वापस अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। तो लोग को कारोबार की गरज से, दूसरे चीज़ों को लेने की गरज से वहाँ मछलू की तरफ जाते हैं। हम देख रहे हैं इस सुनसान जगह पे कुछ बच्चे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, तो देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? खेल रहे हैं। खेलने के लिए यही जगह मिली थी आप लोगों को? इस सुनसान जगह पे क्यों आए हो? कहाँ से हैं आप लोग? कहाँ से? मछलू से। मछलू से यहाँ पे क्यों आए? अम्मी लोग भी है। अम्मी लोग किधर है? उधर ऊपर है। अच्छा, उधर खेतों में काम कर रहे हैं। तो अम्मी अबू के साथ यहाँ पे आए हुए थे। अच्छा अच्छा, ये देख सकते हैं दोस्तों, तो ये जो एरिया है ना यहाँ से मछलू वैली शुरू हो जाता है। तो इधर ना मछलू वालों की खेत ज़मीन है यहाँ पे। तो ये लोग कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं, नहीं अम्मी अबू के साथ यहाँ पे आए थे
तो ये लोग थोड़ा दूर यहाँ पे आके खेल रहे हैं। तो यहाँ पे लोग आते जाते लोग इस सहरा में ही यहाँ इस दरिया में ही वुज़ू करके यहाँ पे ही नमाज अदा करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर ऊपर पहाड़ से बड़ा पत्थर नीचे आने की वजह से ये जो सारे यहाँ पे जो छोटे छोटे कमरे बनाए गए थे वो सारे यहाँ पे मुनहदिम हो चुके हैं और यहाँ के जो लोग हैं वो अपने जो चीज़ें हैं यहाँ पे घास वगैरह यहाँ पे स्टोर किए हुए थे वो इनको यहाँ पे निकाल रहे हैं दोबारा से। तो पहाड़ों में ये भी एक बहुत बड़ा मसला होता है कि अक्सर जो पहाड़ के करीब घर आबाद होते हैं ऊपर से पत्थर आने का हर वक्त खतरा रहता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं उधर एक बहुत बड़ा पत्थर आके गिरा है जिसकी वजह से ये जो सारे कमरे हैं आप देख सकते हैं बिल्कुल ही मुनहदिम हो चुके हैं। तो जिसमें अभी जो इस कमरे में जो घास वगैरह स्टोर किए हुए थे यहाँ पे आप देख सकते हैं वो अभी निकालने का प्रोसेस जारी है और इसके बाद ये लकड़ियाँ दोबारा निकाल कर फिर इसको दोबारा तामीर किया जाएगा। ये पत्थर कब आके गिरा था यहाँ पे? ये दो दिन पहले बर्फबारी ख़त्म हुआ था ऊपर से पत्थर है इधर लग के वो दूसरे वो उधर कमरा था उधर लग के फिर उधर से खड़ा हो गया इधर लग गया। अच्छा दो तो तीन कमरे यहाँ पे तबाह हो गए। जी 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 अच्छा। दो तीन कमरे इधर था इधर हम सर्दियों में इसमें घास रखते थे बांकू लेता हमने 8 बजे दिहिनूं आया ज़बियाल लजुदी तब सब अपन तब से नहाने दिन दुख साइड पिन पर यू। अच्छा अच्छा दिन इसका दिन का घरास में जो दिन इसे पिन पर एक दिन इसका घरास में ठीक। तो ये भाईजान कह रहे हैं दो तीन दिन पहले बर्फबारी की वजह से ना यहाँ टॉप से एक बड़ा सा पत्थर आके नीचे गिरा है जिसकी वजह से ये दो तीन कमरे बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। दीगर इलाकों की निस्बत यहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है इसलिए अभी आप देख सकते हैं यहाँ बर्फ अभी तक पड़े हुए हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों ये जो बड़ा पत्थर है ये आके गिरा था ऊपर से।